नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, यह टॉप 50 एमसीक्यूज का हमारा फिफ्थ पार्ट है। चार पार्ट इससे पहले मैं दे चुका हूं। जनवरी से लेकर और अगस्त तक का कंप्लीट अपडेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। टॉप 50 एमसीक्यूज इस वीडियो में भी सम्मिलित होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे और ये जितने भी एग्जाम्स आप देख सकते हैं यूपीएससी से लेकर और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब में आपको ये करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। तो पूरा सीरीज देखिए, इससे पहले के भी चार वीडियोज देख जाइए और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए ताकि आपको करंट अफेयर्स का अपडेटेड नॉलेज मिलता रहे। ये हमारे कुछ पेड ग्रुप के लिंक हैं, नंबर्स है जहां पर आप कॉल करके और मैसेज करके हमारे पेड ग्रुप्स का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं यहां पर दी जाती है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है, रामसर सूची में शामिल किए गए 10 नए भारतीय आर्द्र भूमि क्षेत्रों में कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य कहां से है? तो जनरली पूछा क्या जा रहा है कि बर्ड सेंचुरी जो है कुंथनकुलम सेंचुरी यह कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह स्थित है। इससे पहले 5 और रामसर स्थलों को शामिल किया गया था, ठीक है, जिससे संख्या हो गई थी 54 और अब 10 और शामिल कर लिया गया है तो टोटल जो संख्या हो गई है अब हो गई है 64। और चाइना के साथ इंडिया जो है वो चाइना के साथ अब फर्स्ट रैंक पर आ गया है रामसर स्थलों की सूची में, ठीक है। और भारत सरकार का लक्ष्य जो है, चूंकि आजादी का 75वां साल चल रहा है तो टोटल यह संख्या बढ़ा करके 75 करने का लक्ष्य है 2022 में, ठीक है। तो अभी तो 64 ही हुआ है, अभी इसमें 11 और जोड़े जाने हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने 5 बताए थे और इस वीडियो में 10 और जो नए जोड़े जा रहे हैं उनके भी नाम बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भारत जो है वो चीन के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गया है। टोटल संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है। रामसर सूची में शामिल किए गए 10 जो नए भारतीय आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनमें देख लेते हैं, तमिलनाडु का कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य है और इसके अलावा तमिलनाडु के ही मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व है। इसके अलावा बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वेलोड पक्षी अभयारण्य है और वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य है और साथ में उदयमर्थमपुरम पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं वो तमिलनाडु के ही है, ठीक है, तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा ओडिशा का सतकोसिया गॉर्ज है, ठीक है, गॉर्ज जिसको कहा जाता है सतकोसिया गॉर्ज है ओडिशा का। इसके अलावा गोवा का नंदा झील है, कर्नाटक का रंगना थिट्टू पक्षी अभयारण्य है और मध्य प्रदेश का सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल शामिल है। तो टोटल 6 जो है वो तमिलनाडु के हैं और बाकी 4 ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये 10 और नए आर्द्र भूमि स्थल जो है वो रामसर साइट में जोड़े गए। रामसर साइट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देखिए जरूर। चलिए अब वैसे मैं बता दूं कि ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था, उसी के याद में यह किया जाता है, ठीक है। वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा जाता है। आगे, यूनेस्को ने कहां के लंगर सिंह कॉलेज स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को धरोहर सूची में शामिल किया है? यूनेस्को हैज इंक्लूडेड द 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड एट लंगर सिंह कॉलेज इन द हेरिटेज लिस्ट। कहां का है ये लंगर सिंह कॉलेज? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो यह जो है लंगर सिंह कॉलेज अब बिहार में है और कहां पर है बिहार में? मुजफ्फरपुर में है। याद रखिएगा, यदि बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मुजफ्फरपुर भी याद रखना चाहिए, ठीक है। लंगर सिंह कॉलेज वहीं पर स्थित है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। यूनेस्को ने मुजफ्फरपुर बिहार के लंगर सिंह कॉलेज स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को धरोहर सूची में शामिल किया है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। पूर्वी भारत में अपनी तरह का पहला वेधशाला है यह, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। और अगर देखें तो 1916
1946 में 1946 में कॉलेज में एक तारा मंडल भी स्थापित किया गया था, प्लेनेटेरियम भी स्थापित किया गया था 1946 में। लंगट सिंह कॉलेज जो है वो अब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इसकी स्थापना कब हुई थी, लंगट सिंह विश्वविद्यालय की 1899 में हुई थी। ठीक है, तो बिहार से यदि आप संबंधित है तो ये टोटल आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल डाटा याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, सीखो और कमाओ योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय या फिर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने की यह योजना है। नोडल मंत्रालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, सीखो और कमाओ योजना के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं इस योजना के बारे में। सीखो और कमाओ योजना जो है वो 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। तो सबसे पहले तो एज ग्रुप क्या है, 14 से 35 वर्ष, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, साथ में मौजूदा श्रमिकों और स्कूल छोड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करना है। मतलब जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं या फिर जो मौजूदा समय में वर्तमान समय में श्रमिक का काम कर रहे हैं उन सबका स्किल डेवलपमेंट करना और उनकी रोजगार क्षमता जो है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसमें सुधार करना है। पिछले 7 वर्षों में इस रोजगारोन्मुखी योजना से 3.92 लाख लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, और यह योजना जो है 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब 75% प्लेसमेंट इससे एंश्योर होता है और इसमें 75% जो प्लेसमेंट होता है उसमें भी 50% जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। नोडल मंत्रालय इसके तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। ठीक है, और वर्ष 2013-14 से केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013-14 से हुई थी। 7 साल इस योजना के हो चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ONGC पैरा गेम्स स्टार्टेड इन 2017, 18, 19 और 20। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, पैरा गेम्स की परिकल्पना भी हुई थी और शुरुआत भी उसी समय हुई थी 2017 में। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4th ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है हाल ही में। ठीक है, तो इस बार जो हो रहा है 2022 में जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, चौथा ONGC पैरा गेम्स हो रहा है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया वो हरदीप सिंह पुरी ने किया जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक है, साथ में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भी हैं। 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी जो हैं वो 275 दिव्यांग व्यक्ति PWD जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा 2 से 4 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित किए गए 4th ONGC पैरा गेम्स में भाग ले रहे हैं। तो इसका आयोजन जो कब किया गया, 2 से 4 अगस्त 2022 के दौरान किया गया। ठीक है, और इसमें 275 लोगों ने भाग लिया जो कि दिव्यांग है। ठीक है, डिफरेंशियली एबल्ड इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, शुरुआत कब हुई, 2017 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास का तीसरे संस्करण एक्स विन बेक्स 2022 1 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक चंडी मंदिर में होगा? तो पहला तो ये कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा, दूसरा चंडी मंदिर में होगा। ठीक है, और तीसरा कि द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है और चौथा कि तीसरा संस्करण हो रहा है और नाम क्या है, एक्स विन बेक्स। ठीक है, तो ये भी जो है 4-5 पॉइंट तो आपको क्वेश्चन सही मिल गए और बाकी देख लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, वियतनाम या फिर ब्राजील। आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। तो भारत और वियतनाम के बीच में यह द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है जिसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नाम क्या है, विन बेक्स। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स विन बेक्स 2022 1 अगस्त से 20 अगस्त तक चंडी मंदिर में होगा। यह सैनिक अभ्यास 2019 में वियतनाम में हुए पहले द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास की अगली कड़ी है। तो शुरुआत कब हुई थी, 2019 में हुई थी, याद रखिएगा। और 2019 में शुरुआत जो हुई थी वो वियतनाम से हुई थी। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, याद रखिएगा। और एक्स विन बेक्स 2022 का विषय क्या है, शांति सेनाओं के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक पैरामेडिकल टीम की नियुक्ति और तैनाती। द थीम ऑफ एक्स विन बेक्स 2022 इज
The placement is deployment of an engineer company and a medical team as part of UN team of peacekeeping operations. ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेनाएं हैं उनमें इंजीनियर टीम और मेडिकल टीम को स्थापित करना इसका लक्ष्य है। चलिए, किस देश की वायुसेना के द्वारा अगस्त के अंत में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भारतीय सेना 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगी? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगस्त के अंत में आयोजित होगा पिच ब्लैक, ठीक है, और इसमें 16 अन्य देश भाग लेंगे, मतलब 16 प्लस इंडिया, मतलब टोटल 17 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक, तो किस देश के वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई रॉयल नेवी के द्वारा, ऑस्ट्रेलियाई रॉयल एयरफोर्स के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा यह जो है हर दो साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन कोविड 19 महामारी की वजह से इस बार 4 साल के बाद हो रहा है। ठीक है, युद्ध अभ्यास आमतौर पर जो होता है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के RAF ठिकानों डार्विन और टिंडल में होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आयोजित होता है? डार्विन और टिंडल में होता है, और इस बार यह अभ्यास 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक होगा। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मी शामिल होंगे। तो टोटल 17 देश जो हैं उन सब के नाम मैं बता दिया हूं, ताकि यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से देश शामिल नहीं है तो आप आसानी से उसको छांट सके। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिन 10 शहरों में गूगल की स्ट्रीट व्यू सेवाएं शुरू की गई हैं उनमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि स्ट्रीट व्यू सेवा जो है वो गूगल की सेवा है, सबसे पहला तो ये हो गया। और कितने शहरों में भारत में शुरू की गई है? 10 शहरों में शुरू की गई है। दो क्वेश्चन यहीं से आपके बन गए, और बाकी देख लेते हैं कौन कौन से शामिल है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, पटना। तो यहाँ पर जो है हैदराबाद, पुणे, नासिक, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली सब शामिल है, पटना जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? डी, पटना शामिल नहीं है। कौन कौन से 10 शहर है जरा सा देख लेते हैं हम लोग। 10 शहर जो है वो है आपके बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर और अहमदनगर। तो ये 10 शहरों के नाम आप याद रखिएगा। और गूगल ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा को शुरू कर दिया है। इसके लिए गूगल ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसकी साझेदारी में शुरू किया गया है। 150,000 किलोमीटर एरिया को यह कवर करेगा, और कंपनी 2022 के अंत तक इस सुविधा को भारत के 50 और शहरों में रोल आउट कर देगी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? दुनिया भर में इसकी शुरुआत जो है 2007 में कर दी गई थी। तो देखिए 2007 से लेकर मतलब 15 साल के बाद भारत में यह सेवा शुरू की गई है, दुनिया में शुरू करने के बाद। तो बहुत पीछे है अभी भारत इस मामले में। पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया था? इसका मतलब है कि हाल ही में आयोजित हुआ था, इसीलिए यह क्वेश्चन है। 1998, 2008, 2004 या फिर 2014? तो पहली बार जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था वह 2008 में मनाया गया था। ठीक है, 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था। इस बार का जो थीम है वो क्या है? हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना, मतलब ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस के की खोज की, HBV वायरस की खोज की थी, हेपेटाइटिस बी वायरस की। हेपेटाइटिस के चलते लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। हेपेटाइटिस का लक्षण क्या होता है? लीवर में स्वेलिंग आ जाता है। जॉन्डिस का बहुत ही भयानक रूप होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, और हेपेटाइटिस की बीमारी जो होते हैं उसके 5 ट्रस्टेन हैं, जिन्हें अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरीके से अल्फाबेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में के अद्यतन संस्करण में किया था? लेटेस्ट जो एडिशन था, अपडेटेड एडिशन मन की बात का, उसमें मोदी जी ने मिंजर मेला का जिक्र किया था। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर असम? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला मनाया जाता है। मिंजर मेला जो है वो 935 ईस्वी में त्रिगर्त के शासक चंबा के राजा के विजय की उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। ठीक है, तो 935 ईस्वी से ही यह मनाया जा रहा है। ठीक है,
और त्रिगर्त जो है वो अब कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है, यह याद रखिएगा। ठीक है, मिंजर मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के राज्य मेलों में से एक मेले के रूप में घोषित किया गया है, मतलब मिंजर मेला को हिमाचल प्रदेश का राज्य मेला घोषित किया जा चुका है। मक्के के पौधे के पुष्प क्रम को मिंजर कहते हैं। द इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज प्लांट इज कॉल्ड मिंजर। इट इज अ सिंबल ऑफ तसली पैडी, तसली धान और मक्का के अंकुर का, मेज स्प्राउट्स का यह जो है प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अल नजाह 4 जो है वो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कहां आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर लद्दाख। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। राजस्थान में अल नजाह 4 आयोजित किया जा रहा है, भारतीय सेना और ओमान की सेना के बीच का यह अभ्यास है। ठीक, तो देखते हैं कहां पर आयोजित किया जा रहा है। 13 अगस्त 2022 तक जो है यह आयोजित किया जाएगा, चौथा संस्करण है यह याद रखिएगा। और आयोजन कहां किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के। ठीक है, याद रखिएगा, विदेशी प्रशिक्षण नोड में। भारतीय सेना की तरफ से 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पिछला संस्करण जो है वो 12 से 25 मार्च 2019 तक मस्कट में आयोजित किया गया था। ओमान के साथ अन्य अभ्यास जो भारत के होते हैं उनमें होते हैं नौसेना अभ्यास का नाम है नसीम अल बहर, ठीक है, और वायुसेना अभ्यास का नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार पूरे समुद्र तट पर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत स्वच्छता अभियान किस दिन चलाएगी? ऑन विच डे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रन अ क्लीनलीनेस ड्राइव अक्रॉस द कोस्ट अंडर द क्लीन सी सेफ सी कैंपेन, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, 15 अगस्त 17 अगस्त 15 सितंबर या फिर 17 सितंबर। तो यह जो है 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को और क्या होता है जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 17 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? तो इस वर्ष 17 सितंबर 2022 को भारत सरकार अन्य स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर भारत के पूरे समुद्री तट पर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर स्वच्छता अभियान चलाएगी। विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे शनिवार। इस अभियान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय तट संरक्षण एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संगठन भी भाग लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बाकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके द्वारा देश भर में 75 समुद्र तटों पर तटीय सफाई अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर समाप्त होने वाले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कल 3 जुलाई 2022 से 75 दिनों का लंबा अभियान शुरू किया जाएगा। तो 3 जुलाई से 75 दिनों का लंबा अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ देश के कौन से नंबर के राष्ट्र उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 13वें 14वें 15वें या फिर 16वें। आंसर क्या हो जाएगा? 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति भारत के चुने गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के प्रत्याशी थे। ठीक है, 528 उनको वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार कौन थी? मार्गरेट अलवा थी, जिनको की 182 वोट मात्र प्राप्त हुए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में कृषि परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, झुंझुनू जिला से। ठीक, जगदीप धनखड़ ने साल 1989 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था, जब जनता दल पार्टी के टिकट पर झुंझुनू से ही इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीते थे। वर्ष 1993 में वह अजमेर जिले के किशनगढ़ से राजस्थान विधानसभा पहुंचे, जहां पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ करके यहां पर पहुंचे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
2019 से वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल से, और के और ममता बनर्जी से उनकी टक्कर जो है वो बराबर चर्चा में रहती भी थी। ठीक है, नगर वन योजना में बलों का रखरखाव किसके द्वारा किए जाने का प्रावधान है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, विशेष समिति के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, ए और बी दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा? By whom is there a provision for the maintenance of forest in the नगर वन योजना? ठीक है, तो चलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है वो मेंटेनेंस करेगी किसका, वनों का। ठीक है, ये इस योजना के अंतर्गत दिया गया। पांच वर्षों 2020 से लेकर 2025 में शहरी क्षेत्रों या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा वन भूमि या किसी अन्य खाली भूमि पर कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि में 400 शहरी वन और 200 नगर वाटिका का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। ये जो योजना है नगर वन योजना, इसका लक्ष्य क्या है यह मैंने बताया। अब देख लेते हैं, 2020 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च किया गया था, और इसका जो वित्त पोषण है, फिनांसिंग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत कैंपा फंड के द्वारा किया जाता है। बाय कैंपा फंड अंडर द कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। याद रखिएगा, वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, और वन का रखरखाव जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा सुनिश्चित किया गया है, नगर वन योजना नाम है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां शुरू हुआ है? तो वज्र प्रहार किसका किसका अभ्यास है? भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बल का अभ्यास है। 13वां संस्करण इस बार आयोजित हो रहा है 2022 में, कहां पर? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में यह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर? बखलो, नाम क्या है? बखलो हिमाचल प्रदेश में यह शुरू हुआ है। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बखलो हिमाचल प्रदेश में। और इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी जो है वो भारत और अमेरिका बारी बारी से करते रहे हैं। 12वां संस्करण इस बार 13वां संस्करण है। 12वां संस्करण जो है वो अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन यूएसए में हुआ था। मतलब एक साल यूएसए में होता है, एक साल भारत में होता है। 21 दिन तक चलने वाला यह अभ्यास है, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में आतंकवाद रोधी अभियानों, वायु आधारित अभियानों की एक विशेष श्रृंखला में संयुक्त प्रशिक्षण योजना और कार्यान्वयन किया जाएगा। इन दिस 21 डे लॉन्ग एक्सरसाइज द आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज विल जॉइंटली ट्रेन, प्लान एंड इंप्लीमेंट अ स्पेशल रेंज ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, एयर बेस्ड ऑपरेशंस इन द माउंटेनियस टेरर इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिनेरियोज। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी बस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह भविष्य में होने वाला आयोजन है, 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। 12वां संस्करण होगा डेफ एक्सपो का, और आयोजित कहां किया जाएगा यह पूछा जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, गुजरात में आयोजित किया जाएगा डेफ एक्सपो। ओके, 18 से 22 अगस्त 2022 के बीच में। ठीक, और इंडिया प्रीमियर एग्जीबिशन है ऑन लैंड बेस्ड नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक, तो देखते हैं, आंसर तो मैंने बता दिया गुजरात, अब देख लेते हैं इसके बारे में। भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण दिनांक 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम होगा वो 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, टोटल 5 दिन तक यह चलने वाला है। डेफ एक्सपो 2022 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2025 तक 5 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। डेफ एक्सपो 2022 इज इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर एंड अचीविंग एक्सपोर्ट्स ऑफ $5 बिलियन बाय 2025। तो लक्ष्य क्या रखा गया है, 2025 तक $5 बिलियन का निर्यात डिफेंस सेक्टर में करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, संस्कृति मंत्रालय और किसने भारत की अटल अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद होम लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान टू सेलिब्रेट इंडिया
अनडाइंग इमोर्टल स्पिरिट एंड इट्स अचीवमेंट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नेटफ्लिक्स या फिर गूगल? आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल जो है इसके तहत बहुत सारे डूडल बनाने वाला है इंडिया की उड़ान पर, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने गूगल ने भारत की अटल अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान की शुरुआत की है। गूगल ने 1947 के बाद से भारत की प्रगति और भारतीयों के योगदान को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ सहयोग किया है और गूगल की नई वेबसाइट का नाम गूगल आर्ट और कल्चर है, जहां पर ये डूडल्स जो है वो दिखाए जाएंगे, ठीक है। गूगल आर्ट और कल्चर गूगल की नई वेबसाइट का नाम है। आगे देख लेते हैं, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? Which state has become the first state in the country to announce a policy for assistance in the semiconductor and display manufacturing sector? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की है, ठीक है, 2022 से 27 तक के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, 2022 से 2027 तक के लिए इसकी घोषणा की है, 5 साल के लिए, ठीक है। और गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की है। गुजरात सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा 76,000 करोड़ रुपीज जो है वो आवंटित किए गए हैं, ठीक है, प्रोविजन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है पहला देश का, फर्स्ट? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर जिला, ठीक। चलिए देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर अब ऐसा जिला बन गया है जहां जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हर घर जल योजना प्रमाणित रूप से 100% पूरी हो चुकी है। मतलब इस जिले के हर एक घर तक जो है वो जल पहुंच चुका है, नल से जल पहुंच चुका है, ठीक है, टैप वाटर पहुंच चुका है, पीने का पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हर परिवार को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर घर जल योजना शुरू की थी। तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, हरियाणा में हर घर जल योजना 100% का लक्ष्य हासिल कर चुकी है, ऐसा दावा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इन द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट? तो 10वां है, 11वां है, 12वां है या 13वां है? आंसर क्या हो जाएगा? 13th, 13वां रैंक है किसका? IGI एयरपोर्ट दिल्ली का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपना वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस डेटा सेट प्रकाशित किया है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? याद रखिएगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। 2021 के लिए वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग की जानकारी इसमें दी गई है और उसी सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 13वें नंबर पर है। विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट उद्योग का सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकी डेटा सेट है जिसमें 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात की विशेषता है। द वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट इज द इंडस्ट्रीज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एयरपोर्ट स्टैटिस्टिक्स डेटा सेट फीचरिंग एयरपोर्ट ट्रैफिक फॉर ओवर 2600 एयरपोर्ट्स इन ओवर 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह जो है आपका 75.7 मिलियन यात्री और 76.4% के साथ 2021 की रैंकिंग में शीर्ष पर आ गया है। मतलब टॉप पर कौन है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और इसके बाद डलास फोर्थ वर्थ, ठीक है, डलास फोर्थ वर्थ जिसमें 62.5 मिलियन यात्री और 58.7% है। और उसके बाद है डेनवर, डेनवर एयरपोर्ट 58.5 मिलियन यात्री,
ठीक है, तो पहला तीन टॉप थ्री पोजीशन पर कौन कौन है ये मैंने बता दिया आपको, चलिए याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया है, तो याद रखिएगा देश का पहला जो स्वदेशी इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नाम है उसका, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर क्या हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, किसको, विक्रांत को। याद रखिएगा विक्रांत पहले भी हुआ करता था लेकिन उसको तोड़ दिया गया था और अब फिर से विक्रांत जो है स्वदेशी मॉडल इसका बनाया गया, ठीक है, स्वदेशी विक्रांत जो है वह किसने बनाया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। और 15 अगस्त को कमीशन 15 अगस्त को निर्धारित किया गया था इसका कमीशन, लेकिन उससे पहले ही भारतीय नौसेना ने इसको कमीशन कर लिया है, ठीक है। इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो INS विक्रांत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है, 45,000 टन इसका वजन है और अधिकतम गति जो है इसकी वो 28 नॉटिकल मील, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट जो है वो आपको याद रखने चाहिए निश्चित तौर पर। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार पावरफुल पासपोर्ट वाले 199 देशों में भारत के पासपोर्ट को कितने नंबर की रैंकिंग मिली है, 85, 86, 87 या फिर 88। आंसर क्या हो जाएगा, 87, 87th, भारत को 87th प्लेस मिला है 199 देशों में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की माने तो पावरफुल पासपोर्ट वाले 199 देशों में भारत के पासपोर्ट को 87वें नंबर की रैंकिंग मिली है, ठीक है। भारत के पासपोर्ट पर यात्री बिना वीजा के केवल 60 देशों की ही यात्रा कर सकते हैं, ट्रेवलर्स ऑन इंडिया पासपोर्ट कैन ओनली ट्रेवल टू 60 कंट्रीज विदाउट अ वीजा। जापान को प्रथम स्थान मिला है जहां पर जहां के नागरिक 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और साउथ कोरिया के पासपोर्ट पर 192 देशों की यात्रा की जा सकती है। तो दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सिंगापुर और साउथ कोरिया है, पहले स्थान पर कौन है, जापान है, बहुत सालों से जापान जो है वो पहले स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक्सक्लूसिव डाटा पर आधारित होता है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसका डाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक्सक्लूसिव डाटा पर आधारित होता है। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स डाटा इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए देश के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है, पहला कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन जो है वो बनाया गया है भारतीय नेवी के लिए, उसका नाम क्या है, सागर, सिंधु, विराट या फिर वरुण। भारतीय नेवी के लिए बनाया गया तो वरुण नाम उचित लगता है, आंसर क्या हो जाएगा, वरुण, वरुण नाम दिया गया है इस ड्रोन को, ठीक है। चलिए, वरुण का मतलब होता है जल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन नेवी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड वरुण, इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन ड्यूरिंग द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO सिंपोजियम, नाम क्या था, स्वावलंबन, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। यह इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है और यह 25 मिनट में 25 किलोमीटर की उड़ान भरकर 130 किलो वजन के सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकता है। तो इसका जो क्षमता है वो बताया गया है, ठीक है। इट कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स और ह्यूमन बींग्स अप टू 130 केजी वेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फ्लाइंग 25 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो अच्छी खासी रफ्तार है इसकी, एक घंटे में 50 किलोमीटर से ज्यादा ही चलेगा। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डे हवाई अड्डा रखा गया है, असम, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दरअसल ईटानगर में, ईटानगर के आसपास यह बनाया जा रहा है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र को ईटानगर के पास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित करने का सुझाव दिया है। डोनी का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा,
वर्तमान में इस एयरपोर्ट को होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और इसी का नाम बदल करके रख क्या दिया जाएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया जाएगा। यह राजधानी ईटानगर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में यह तीसरा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट, खंडवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर संयंत्र की क्षमता क्या होगी, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बीइंग बिल्ट इन खंडवा मध्य प्रदेश, 400 मेगावाट, 500, 600 या फिर 750 मेगावाट। आंसर क्या हो जाएगा, 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ठीक है, खंडवा ओंकारेश्वर में यह बनाया जा रहा है। खंडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। प्रोजेक्ट की लागत कितना है, 3000 करोड़ रुपया है और प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने सैद्धांतिक सम्मति दे दी थी। और यहाँ पर बिजली का उत्पादन जो है वो बांध के करीब 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में किया जाएगा, याद रखिएगा ये फैक्ट्स। आगे देख लेते हैं, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, हाल ही में कृषि जनगणना की गई है इसलिए चर्चा में रहा है, तो याद रखिएगा 1960, 61, 70, 71, 65, 66 या फिर 75, 76। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 70, 71 में की गई थी। वर्ष 1970-71 से हर 5 साल में कृषि जनगणना योजना लागू कर रहा है, कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार जो है 11वीं कृषि जनगणना का जमीनी काम जो है वो अगस्त 2022 में शुरू हो जाएगा, इसी कारण से यह चर्चा में है। जनगणना का 10वां संस्करण संदर्भ वर्ष 2015-16 के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, पिछला जो हुआ था 2015-16 में आयोजित हुआ था 10वां संस्करण। कृषि जनगणना विभिन्न मापदंडों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसमें खेती के इस्तेमाल वाले जोतों की संख्या और क्षेत्र, उनका आकार, वर्गाकार, वर्गवार विवरण, भूमि उपयोग, किरायेदारी और फसल पद्धति आदि को शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पैरामीटर्स, इट इंक्लूड्स द नंबर एंड एरिया ऑफ होल्डिंग्स यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, देयर साइज, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज, टेनेंसी एंड क्रॉपिंग पैटर्न एटसेट्रा। यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिए डाटा या फिर जो आंकड़े होंगे उनका संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो यह 11वीं कृषि जनगणना है, याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और हर 5 साल पर होता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आगे, किस राज्य में स्थित तडोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की है। द टडोबा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट होस्टेड द नेशनल ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन 2022, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और केरल। तो ये जो तडोबा टाइगर रिजर्व है यह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है जिसने मेजबानी की है वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की। चंद्रपुर में स्थित है यह फॉरेस्ट अकादमी, ठीक है, जहां पर वैश्विक बाघ दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, चंद्रपुर स्थित फॉरेस्ट अकादमी में वैश्विक बाघ दिवस समारोह मनाया गया। विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% से अधिक हिस्से का संरक्षण और बचाव करने में भारत ने मानक स्थापित किया है, मतलब विश्व में कुल बाघों की जो संख्या है उनका 70% का संरक्षण भारत कर रहा है। 1973 में जहां भारत में बाघों के अभयारण्यों की शुरुआती संख्या 9 थी, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 52 कर दिया गया है। तो भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है, 52 है। भारत में 2018 से प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार अखिल भारतीय बाघ का आकलन किया जाता है, 2018 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा सेंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई 2010 को की गई थी, ताकि बाघ अभयारण्य वाले सभी देशों को साथ लाया जाए तथा वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण तथा उनका प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है, 29 जुलाई 2010। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच किस राज्य में होगा और इसका लोगो क्या है। ठीक है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में होगा 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, पहले तो ये याद रखिए। अब देख लेते हैं कहां होगा और लोगो क्या। मध्य प्रदेश बाघ, असम गैंडा, गुजरात
शेर राजस्थान ऊंट। आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात में आयोजन होगा और गुजरात के गिर का जो शेर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो शेर जो है वो इसका लोगो है। ठीक है, गुजरात में इस साल 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? अकॉर्डिंग टू इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, हाउ मच परसेंट ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया बायो इकोनॉमी इन 2020 2%। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा 14.1%। 2020 में 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि होगा 70.2 बिलियन से अधिक, 70.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पहुंच गई है भारत की बायो इकोनॉमी। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है, यह भी कहा गया मंत्री के द्वारा। बायोटेक स्टार्टअप की संख्या पिछले 10 वर्षों में 50 से बढ़कर 5300 हो गई है, बहुत ही ज्यादा हो गई, वेरी गुड। बायोटेक स्टार्टअप के 2025 तक 2 गुना बढ़कर 10,000 से अधिक होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब जैव अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। आगे, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वोन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? तानाजी, सोराराई पोट्टू, अयप्पनम कोशियम या फिर थ्री सिस्टर्स? आंसर क्या हो जाएगा? सोराराई पोट्टू। सूर्या की मूवी है, सूर्या बहुत ही प्रसिद्ध हीरो हैं, एक्टर हैं साउथ के। ठीक है, याद है। और सोराराई पोट्टू जो है वो डेक्कन चार्टर्स, डेक्कन जो पाले हुआ करता था, डेक्कन एयरवेज, वो किस तरीके से शुरू हुआ था, लगभग उसी तरह की कहानी है इसकी, जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला वो अजय देवगन को मिला, अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला, और सूर्या को मिला सोराराई पोट्टू के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देवहन गलत लिखा गया, देवगन होना चाहिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो अपर्णा बाल मुरली को मिला है सोराराई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी जो मिला सोराराई पोट्टू को मिला, और यह सुधा कोंगारा के द्वारा लिखा गया और निर्देशित है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियम के लिए मरणोपरांत सची को मिला है, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। सोराराई पोट्टू नाम याद रखिएगा और देखिएगा भी जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज कौन है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि दो जो पहले से मौजूद हैं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है? आर्यावर्त पावर एक्सचेंज, भारत पावर एक्सचेंज, हिमालयन पावर एक्सचेंज या फिर हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज? आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जो है वो तीसरा पावर एक्सचेंज भारत का बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। पावर एक्सचेंज का क्या मतलब? बिजली बाजार। एचपीएक्स में पीटीसी इंडिया और बीएसई इन्वेस्टमेंट की 25-25% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जो है उसमें 25-25% हिस्सेदारी होगी पीटीसी इंडिया और बीएसई इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जबकि 9.9% की हिस्सेदारी होगी आईसीआईसीआई बैंक के पास। ठीक है, तो ये हिस्सेदारी किसके पास कितना है ये याद रखिएगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले से काम
कर रहे हैं। एक्सचेंज शुरू में साप्ताहिक समेत विभिन्न अवधि यानी कि टर्म अहेड मार्केट के लिए बिजली कारोबार, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों पर कारोबार करेगा। द एक्सचेंज विल इनिशियली ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स फॉर वेरियस पीरियड्स, यानी कि टर्म अहेड मार्केट इंक्लूडिंग वीकली, ठीक है, साप्ताहिक समेत। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, G7 के नेताओं ने भारत जैसे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2027 तक कितने अरब डॉलर का वित्त जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। तो 250, 400, 500 या फिर 600, आंसर क्या हो जाएगा 600, 600 अरब डॉलर का वित्त पोषण जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन समूह G7 के नेताओं ने भारत जैसे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं, यानी कि ढांचागत परियोजना का क्या मतलब हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ढांचागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2027 तक 600 अरब डॉलर का वित्त जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी मैंने पूछा कि कितना अरब डॉलर जुटाने का ऐलान किया है, तो 600 अरब डॉलर, अब पूछा जा सकता है 600 अरब डॉलर कब तक जुटाने का प्रावधान किया है, तो 2027 तक। तो दोनों याद रखिएगा, 2027 और 600 अरब डॉलर। उसके बाद देखते हैं तो G7 देशों ने इस पहल को चीन की तरफ से चलाए जा रहे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और G7 के अन्य नेताओं ने जर्मनी में स्लॉस एलमाउ में अपनी वार्षिक सभा में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से दुनिया के पहले तैरने वाले शहर ओशियानिक्स का निर्माण कहां किया जा रहा है, सिंगापुर, साउथ कोरिया, दुबई या फिर बैंकॉक, आंसर क्या हो जाएगा साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया में ओशियानिक्स जो कि दुनिया का पहला तैरने वाला शहर है उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, साउथ कोरिया के बुसान शहर में, ठीक है, याद रखिएगा साउथ कोरिया के बुसान शहर में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया जा रहा है। एक दूसरे से जुड़े प्लेटफॉर्म कुल 15.5 एकड़ के क्षेत्रफल को कवर करेंगे जो कि 12,000 लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह होगा, ठीक है। अनुमान है कि पानी पर तैरते इस शहर के निर्माण में कुल 200 मिलियन डॉलर यानी कि 15 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे जो कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा साउथ कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर विकसित किया जा रहा है। कंबोडिया के मेकांग नदी में पकड़ी गई दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली स्टिंगरे मछली की लंबाई कितनी है, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट या फिर 16 फीट। सबसे पहले क्या याद रखना जरूरी है कि मेकांग नदी कहां पर है, तो कंबोडिया में, ठीक है, जहां पर यह मछली पकड़ा गया है, मछली का नाम है स्टिंगरे मछली और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का मछली है। अच्छा, खारे पानी का सबसे बड़ा मछली कौन होता है, खारे पानी का सबसे बड़ा मछली होता है व्हेल, ठीक है, और ये जो स्टिंगरे मछली पकड़ा गया है या साफ पानी का सबसे बड़ा मछली है कंबोडिया में मिला है, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है, 13 फीट है, ठीक है, और वजन कितना है, 300 किलोग्राम है, और मछली जो है वो 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैट फिश से 6.8 किलोग्राम ज्यादा है, और आमतौर पर यह मछली सस्ते प्रोटीन के स्रोत के रूप में बाजार में पाई जाती है, याद रखिएगा स्टिंगरे मछली साफ पानी की सबसे बड़ी मछली। चलिए, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वोन द टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एट द 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड। कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, आंसर क्या हो जाएगा कैंपेगोड़ा। कैंपेगोड़ा कहां पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु में है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। बेंगलुरु के कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2022 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रक्रिया पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, अप्रवासन और प्रस्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। द सर्वे आस्क्ड यूजर्स एक्सपीरियंस अबाउट द डिफरेंस अरेंजमेंट्स एट अराइवल, ट्रांसफर, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन एंड डिपार्चर गेट्स। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने इस साल की शुरुआत में विंग्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा
और विमानन नवाचार पुरस्कार भी जीता था। बेंगलुरु एयरपोर्ट ऑल्सो वोन द बेस्ट एयरपोर्ट एंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स अर्लियर दिस ईयर, ये भी याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा मंत्रालय किस संस्थान के सहयोग से अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल लॉन्च अ स्किल बेस्ड 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर्स इन द कोलैबोरेशन विद व्हिच इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, NIOS इसको कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इग्नू। इग्नू जो है इसके लिए 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम तैयार करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्नातक उपाधि के लिए मान्यता भी दी जाएगी, ठीक है, इग्नू के द्वारा विशेष रूप से स्नातक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, ठीक है। 50% क्रेडिट दिया जाएगा इस, ये जो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे इग्नू के कार्यक्रम में, उसको 50% क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। इग्नू द्वारा विशेष रूप से तैयार स्नातक कार्यक्रम के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण को 50% क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि शेष 50% क्रेडिट जो है वो पसंद आधारित पाठ्यक्रमों से आएगा। मतलब जितना सेवा देंगे वो लोग अग्निवीर, 4 साल 5 साल जो 4 साल का जो सेवा होगा उसको 50% क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, और 50% के लिए उनको पढ़ना होगा जो भी विषय चुनेंगे उस विषय में, ठीक है। रोजगार और शिक्षा के लिए भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त डिग्री जो है वो इग्नू से प्रदान की जाएगी। अब वो भारत और विदेश दोनों में ये डिग्री मान्य होगी। यह कार्यक्रम अग्निवीरों को और सैनिक क्षेत्र में अपनी पसंद के करियर को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी कि भाई इग्नू मतलब कि अग्निवीर जब बाहर आ जाएंगे तो उनका क्या होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा को संबंधित नियामक निकायों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVT और UGC के द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET, UGC और साथ में AICTE तीनों के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया है, ये जो पाठ्यक्रम होगा स्नातक स्तरीय उसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र में स्थापना के लिए की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया फॉर सेटिंग अप अ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर इन विच कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान? आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में यह किया जाएगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसके लिए भारत ने मंजूरी दी है, याद रखिएगा। श्रीलंका के कोलंबो में 30 मार्च 2022 को आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इस बिम्स्टेक के सदस्य देशों द्वारा इस बारे में हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था 30 मार्च 2022 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। यह केंद्र बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा जिनमें जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुप्रयोग, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी में स्वचालन समेत अनेक प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। द सेंटर विल फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज अमंग बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग अदर प्रायोरिटी एरियाज, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन। चलिए, भारतीय रेलवे नवाचार नीति रेलवे के लिए स्टार्टअप्स के तहत नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए कितना अनुदान समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराया जाएगा? हाउ मच ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड टू इनोवेटर्स फॉर टेक्निकल सॉल्यूशंस इन रेलवे अंडर द इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज? इंडियन रेलवे का इनोवेशन पॉलिसी है, नाम क्या है? स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ गुड्स, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या फिर 2.5 करोड़, आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया जो है वो समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराया जाएगा, किसको? इनोवेटर्स को। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने स्टार्टअप्स और अन्य कंपनियों के साथ भागीदारी
माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप्स की शुरुआत की है। इंडियन रेलवे द नेशनल ट्रांसपोर्टर हैज लॉन्च्ड स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज, अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप्स एंड अदर कंपनीज। इसमें इनोवेटर्स को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की राशि समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार नवोन्मेषकों के पास ही रहेगा। द डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विल रिमेन विद द इनोवेटर्स। जो इनोवेटर्स होंगे वो रेलवे के लिए अलग अलग समाधान खोजेंगे, ठीक है, और जो भी समाधान खोजा जाएगा उसका जो IPR होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, वह किसके पास होगा? जो डेवलप करेंगे इनोवेटर्स उन्हीं के पास रहेगा। नीति के माध्यम से निपटने के लिए 11 समस्याओं की पहचान की गई है, ठीक है, टोटल 11 समस्याएं हैं जिनकी पहचान की गई है, जिनके जिन पर काम करेंगे जितने भी इनोवेटर्स होंगे वो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द CAG कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट इन द फिनेंशियल ईयर 2021-22? 6.70, 6.71, 6.72 और 6.75। आंसर क्या हो जाएगा? 6.71%। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान से कम रखने में कामयाब रही है। द गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड टू कीप द फिस्कल डेफिसिट बिलो द बजट एस्टिमेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP के 6.71% पर रहा है, जो कि 6.9% के संशोधित बजट अनुमान से कम है, ठीक है। तो बजट का संशोधित अनुमान कितना था? 6.9% था, उससे कम ही रहा है, 6.71% रहा है। मार्च 2022 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए वास्तविक रूप से राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 15,86,537 करोड़ रुपए रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-22 के अंत में राजस्व घाटा 4.37% रहा है, और राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो वर्ष 2022 में, वित्त वर्ष 2022 में 21.68 लाख करोड़ या संशोधित अनुमान का 104.3% रहा है, जबकि शुद्ध कर राजस्व नेट टैक्स रेवेन्यू जो रहा है वो 18.2 लाख करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज के रिपोर्ट के अनुसार 3 शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में कौन शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 3 सुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जो है वो चीनी प्रोड्यूस करने वाला बड़ा बड़ा राज्य है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिहार। बिहार इसमें शामिल नहीं है। बिहार में तो बस किशनगंज के इलाके में थोड़ा बहुत चीनी का उत्पादन होता है, और भी बहुत सारे जगह है जहां पर चीनी का उत्पादन होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा चीनी मिल नहीं है बिहार में। भारत में चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक 14% बढ़कर 3.42 करोड़ टन हो गया है। चीनी उत्पादन इस साल 3.55 करोड़ टन के रिकॉर्डेड स्तर पर पहुंच सकता है, ऐसा आंकड़ा कहता है। 2020-21 में 3.11 करोड़ टन था। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत के कुल चीनी उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का 85% योगदान है। तो भारत में चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तब है कर्नाटक। ब्राजील के बाद भारत जो है वो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। प्रमुख चीनी निर्यात गंतव्य देश कौन है, मतलब एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इंडोनेशिया में 15%, बांग्लादेश में 10%, अफगानिस्तान, सोमालिया, जिबूती और मलेशिया में 3-3%, ठीक है। तो इन जगहों पर भारत जो है वो चीनी का निर्यात करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन के लिए किस नाम से जागरूकता शुभंकर जारी किया है? अंडर व्हाट नेम डिड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रिलीज द अवेयरनेस मैस्कॉट फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? पृथ्वी, प्रकृति, हरित या फिर हरियाली? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रकृति, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्रकृति याद रखना आसान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। हरित जो है वो पहल है, प्रकृति जो है वो आपका
मस्कट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दोगुना हो गया, जो कि चिंता का विषय है, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप फैक्ट डाल सकते हैं वहां पर। दूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान में शामिल 9 मंत्रालयों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। Which of the following is not among the 9 ministries involved in the Sujalam 2.0 campaign for grey water management? जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? होम मिनिस्ट्री जो है वो सुजलाम 2.0 कार्यक्रम में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कौन कौन सा मंत्रालय देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। ये टोटल 9 मंत्रालय है जो कि इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय इसमें शामिल नहीं है। इस वर्ष का विषय क्या है? विषय है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। द थीम ऑफ दिस ईयर इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 में जब मनाया गया 22 मार्च को विश्व जल दिवस, तो इसी अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के द्वारा वर्चुअल रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, सुजलाम 2.0, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह को मानते हुए हर वर्ष किस दिन को इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। The United Nations approved a proposal to celebrate Islamophobia Day on which day every year considering the prevailing prejudice against Islam and Muslims in the world. 10th of March, 12th of March, 15th of March या फिर 20th of March। आंसर क्या हो जाएगा? 15th of March, 15 मार्च को Islamophobia Day मनाया जाएगा, ऐसा UN का कहना है, ठीक है। पाकिस्तान ने यह मांग रखी थी, IOC देशों ने इसका समर्थन किया था, 55 मुस्लिम देश और चीन की सह पर यह प्रस्ताव लाया गया था। भारत और फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया था, ठीक है। भारत के अस्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने सुझाव दिया कि इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया डे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल इस्लाम के प्रति जो है फोबिया नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति भय का वातावरण है, ठीक है, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर भी 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। किस राज्य में स्थित भारत के सबसे पुराने सैन्य स्कूल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने हाल ही में अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। कोई भी अगर 100वां हो, 50वां हो, 150वां हो, 200वां हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडियाज ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल लोकेटेड इन विच स्टेट, रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 100th फाउंडेशन डे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो यह जो है आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। 100वां दिवस इस बार मनाया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है। RIMC भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका उद्घाटन स्थापना हुई थी, ठीक है। और संस्थान देश को अब तक 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और समकक्ष समेत 163 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी दे चुका है। तो बहुत सारे अधिकारी, सैन्य अधिकारी इस स्कूल से गए हैं। अपने 100 साल के इतिहास में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज पहली बार लड़कियों के लिए भी अपने दरवाजे खोल रहा है। तो 2022 का जो सेशन चालू होगा अगस्त से, उसमें लड़कियों को भी एंट्री दी जाएगी, उनका भी एडमिशन होगा, यह पहली बार हो रहा है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी कितनी होगी? व्हाट विल बी द इनिशियल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 5000 करोड़? आंसर क्या हो जाएगा? 5000 करोड़, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन का जो पूंजी होगा, प्रारंभिक पूंजी, वो 5000 करोड़ रुपया होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में गठित करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी जो होगी वो 150 करोड़ रुपए होगी। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन अंडर होली ऑन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट विद एन इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ आर 5,000 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 150 करोड़। ठीक है, एनएलएमसी विल मोनिटाइज एडिशनल लैंड एंड बिल्डिंग ऑन्ड बाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। एनएलएमसी जो है वो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के स्वामित्व की अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। यह प्रस्ताव बजट 2021-22 के घोषणाओं के अनुरूप है। एनएलएमसी वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके तहत होगा? वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में होगा और कंप्लीटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कब तक की अवधि के लिए जारी रहने की मंजूरी दे दी है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMSS ऑफ सेंट्रल सेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2022-23, 23-24, 24-25 या फिर 25-26। आंसर क्या हो जाएगा? 25-26, 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा, इस छात्रवृत्ति योजना को। ठीक है, याद रखिएगा। और कितना इसको परिव्यय दिया गया है? 1,827 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा। 15वां वित्त आयोग के चक्र में 5 साल की अवधि यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसको जारी रखा जाएगा। ठीक है, पात्रता संबंधित मामलों में कुछ बदलाव किए गए हैं। आयु सीमा को जो आयु सीमा जो है उसको 1.5 लाख पर एनम से क्या कर दिया गया है? 3.5 लाख पर एनम कर दिया गया है। ठीक है, आयु सीमा में मामूली बदलाव किया गया है और पहले जो 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलता था उसको अब 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो लोग बीच में ही 8वीं क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया करते थे उनको सहायता देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो पहले 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, अब 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा और इसको जो है 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 9वीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष, 1,000 रुपए प्रति माह की 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नामांकन किया जाता है या फिर जारी रखा जाता है या फिर रिन्यूड किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 12,000 पर एनम, ठीक, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर रहे भारत ने कुल कितने पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है? तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा बर्मिंघम में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हाल ही में आयोजित हुआ था उसमें टोटल कितना पदक भारत जीता? 61, 62, 65 या फिर 66। टोटल पदक जो भारत ने जीता है वो है 61। अब आगे देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में। तो भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं जिसमें कि 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, याद रखिएगा। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 66 मेडल जीते थे तो इस बार थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि निशानेबाजी की स्पर्धा इस बार नहीं थी और हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे चोट के कारण। कॉमनवेल्थ में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो था वो 2010 में नई दिल्ली में था जब भारत में आयोजित हुआ था। 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रोंज मेडल के साथ हम लोगों ने 101 पदक जीता था उस समय 2010 में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की झोली में सबसे अधिक पदक जो है वो रेसलिंग में आया, 12 मेडल और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में आया। ठीक है, भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा ले रहा था और इसमें कुल 104 पुरुष और 103 महिलाओं ने हिस्सा लिया, मतलब टोटल 207 खिलाड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, न्यू फ्रंटियर्स नामक कार्यक्रम का संबंध किससे है? विद होम इज द प्रोग्राम नेम्ड न्यू फ्रंटियर्स रिलेटेड टू? मरुस्थलीकरण, वनीकरण, उपग्रह प्रक्षेपण या फिर नवीकरणीय ऊर्जा? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, एफॉरेस्टेशन, सैटेलाइट लॉन्च या फिर रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर क्या हो जाएगा?
रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, न्यू फ्रंटियर्स रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर्स नामक अपना कार्यक्रम आयोजन किया। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड न्यू फ्रंटियर्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन कंटिन्यूएशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। विषय क्या था इसका? इंडिया लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन, याद रखिएगा इसका सब्जेक्ट क्या था। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना पर वेबिनार का आयोजन भी किया गया। ठीक है, तो 2017 तक जो है आपका जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भारत ने रखा है। किस देश में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है? तो टोटल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या कितनी? 75 है। ठीक है, और 75वां कौन है? पादांग नाम का स्थान है जो कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। सिंगापुर में है, जर्मनी, जापान या फिर रूस में? तो नेताजी का सर्वाधिक संबंध जो है वो विदेशों में सिंगापुर से रहा है, जहां पर आईएनए की स्थापना की गई आजाद हिंद फौज की। ठीक है, तो याद रखिएगा आजाद हिंद सरकार का गठन भी सिंगापुर में उन्होंने किया था। पादांग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। यहां पर भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया था। युद्ध के बाद नेताजी ने पादांग के दक्षिण में आजाद हिंद फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ड्रोन एसोसिएशन, इसरो, डीआरडीओ, भारतीय सेना या फिर विज्ञान मंत्रालय, आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने किया है हिम ड्रोनेथॉन का आयोजन। भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। स्वदेशी ड्रोन पारितंत्र के लिए भारतीय सेना का समर्थन इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वदेश में निर्मित उपलब्ध अच्छा विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम से बेहतर है। ठीक है, द इंडियन आर्मी सपोर्ट फॉर इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट गुड अवेलेबल इंडिजिनसली इज बेटर देन बेस्ट अवेलेबल ग्लोबली। मतलब अगर वैश्विक स्तर पर कोई बेस्ट चीज है तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे यहाँ स्वदेश निर्मित अच्छा चीज, मतलब बेस्ट हमको नहीं चाहिए लेकिन जो चाहिए वो स्वदेश निर्मित चाहिए। ठीक है, तो दुनिया भर से बेस्ट खरीदने से अच्छा है कि हम अपने यहाँ। मात्रात्मक मापदंडों जैसे ऊंचाई, वजन, रेंज, स्थिरता आदि कई चरणों में आयोजित किया गया। इट विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस विद क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स लाइक हाइट, वेट, रेंज एंड स्टेबिलिटी। पारंपरिक बिंदु के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों में विकास शामिल है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट डेवलपमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है लॉजिस्टिक्स और वेट कैरिंग ड्रोन इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज। दूसरा है ऑटोनोमस सर्वेलियंस SAR ड्रोन्स। और तीसरा है माइक्रो और नैनो ड्रोन्स फॉर फाइटिंग इन बिल्ड अप एरियाज। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति को देश के कौन से नंबर का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? 47वां, 48वां, 49वां या फिर 50वां? हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर नियुक्त हुए हैं उदय उमेश ललित। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है ये जरा कमेंट में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये जो है आंसर क्या हो जाएगा? 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उदय उमेश ललित, जिनका हाल ही में नियुक्ति किया गया। ठीक है, 49वें प्रधान न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेंगे और पुराने जो न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में जो है एनवी रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और न्यायमूर्ति ललित ने दो कार्यकालों के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में इनका जन्म हुआ और जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। और जनवरी 1986 में दिल्ली आने से पहले उन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई उच्च न्यायालय में वकालत भी की थी। ठीक है,
ठीक है। तो ये है जस्टिस उदय उमेश ललित के बारे में, जो जिनको की 49वां CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त तो होता है। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का था अपडेटेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 50 और क्वेश्चंस के साथ। ये सीरीज लगातार चलता रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, और पिछले जो 4 वीडियोज हैं वो भी जरूर देखिए, ये वीडियो भी पूरा अंत तक देखिए और हमारा सहयोग करते रहिए। तो चलिए, मैं चंद्रवर्धन इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।